हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा फिल्म मूनफॉल को, जो कि एक साइंस फिक्शन डिजास्टर एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है रोलैंड एमेरिच ने। तो वही फिल्म की कास्ट में है पैट्रिक विल्सन, हैली बेरी, जॉन ब्रैडली एंड चार्ली प्लमर। तो फ्रेंड्स, कहानी फोकस करती है एक तरह से मून पर, जो बहुत जल्द अर्थ से टकराने वाला है, जिसके चलते ऑब्वियसली अर्थ तबाह होगा, जिसे एक तरह से रोकने की या फिर कह लो बचाने की जिम्मेदारी एस्ट्रोनॉट जॉ फॉलर की है, जो कुछ साल पहले बेदखल कर दिए गए एस्ट्रोनॉट ब्रायन और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट केसी हाउसमैन के साथ कैसे इस मिशन को पूरा करती है या कर पाती भी है या नहीं, वही जानने के लिए आपको देनी होगी रोलैंड एमेरिच की ब्रांड न्यू एक्शन साइफर डिजास्टर मूनफॉल। जिसकी कास्टिंग की बात करूं तो चाहे नाम हैली बेरी का लूं या पैट्रिक विल्सन का या जॉन ब्रैडली का, तीनों की ही परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, जिसे मैंने एंजॉय किया। और हाँ, तीनों के बीच की केमिस्ट्री को भी, जिसके चलते जितने भी कॉमेडी सीन्स हैं वो भी काफी बढ़िया हैं। फिर भले से ही कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट जितनी भी बुरी क्यों ना हो, जिनसे हम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाते और ना ही उनके लिए बुरा फील करते, बाकी राइटिंग कैरेक्टर्स को लेकर जिस तरीके से की गई है उसकी बात ना करे तो ही अच्छा है। बाकी फैमिलीज को लेकर जिस तरीके का इमोशनल एंगल क्रिएट करने की जो कोशिश की गई है, वो भी अगेन डिसअपॉइंटमेंट है, जिन्हें अगर कुछ भी हो जाए तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिनके सीन सिर्फ फिल्म की लेंथ को बढ़ाते हैं और हमें बोर करते हैं। बाकी बात डिसअपॉइंटमेंट की है तो वो तो इस फिल्म की कहानी ही है, जिसे बिना लॉजिक को ध्यान में रखकर लिखा गया है, क्योंकि कुछ भी हो रहा है या फिर कहूँ कुछ भी चल रहा है बिना लॉजिक के, पर फिर भी ये एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर फिल्म है, जिसे आपको अपना बिना दिमाग यूज किए देखना है, तभी आप इसे एंजॉय कर पाओगे, जो कि मैंने भी किया है। खासकर फिल्म के फर्स्ट हाफ को, जब तीनों ही मेन कैरेक्टर्स एक तरह से टीम अप करते हैं और स्पेस के लिए निकलते हैं, पर वहीं सेकंड हाफ मुझे उतना पसंद नहीं आया, जिस पर स्पॉयलर्स के चलते बात नहीं करते। बाकी एंड में जाकर ये फिल्म जिस तरीके से एक बिग साइफाई फिल्म बनने की कोशिश करती है, जो कि ये फिल्म है नहीं, वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी बात डायरेक्शन की करूँ तो फिल्म के डायरेक्टर रोलैंड एमेरिच को अर्थ और स्पेस से इतना प्यार क्यों है, क्या फिर कहूँ नफरत, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर जिस तरीके से उन्होंने अर्थ को डिस्ट्रॉय होते और हर एक चीज को दिखाया है, वो लाजवाब है। यानी फिल्म का डायरेक्शन लाजवाब है और ऐसे ही लाजवाब है VFX भी, जो फिल्म का बेस्ट पार्ट है, जिसके चलते विजुअली ये फिल्म बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है। तो वहीं PGM भी फिल्म का ठीक ठाक है, पर एडिटिंग और लेंथ वो भी नहीं है। तो ओवरऑल मेरी नजर में मूनफॉल सिर्फ और सिर्फ एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर फिल्म है, जिसे बिना दिमागी उसके आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, जिसे हमारे इंडिया में इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। फिल्म मूनफॉल को मैं दूंगा 3 स्टार्स सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और मार्सिस ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, बाकी ओवरऑल ये फिल्म डिजर्व करती है 2.5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म मूनफॉल को लेकर मेरा रिव्यू, पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख ली है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।